नृत्यांगना सुधा चंद्रन। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वो चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश के लिए पहुंचे। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की। बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा है। सुधा, वाह वाह, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा सुधा, आपकी उम्र क्या है? मैं पूरे 5 साल की हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी? हाँ, मुझसे भी बड़ी है सुधा। आपको पता है मैं बहुत अच्छा नृत्य भी करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शीशे के सामने खड़े होके कभी नृत्य किया है? हाँ, वो तो मैं हर जगह करती हूँ। शीशे के सामने, गार्डन में, स्कूल में टीचर नहीं करने देती। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें यह नृत्य करने देंगे और तुम्हें नृत्य की शिक्षा भी देंगे, ठीक है? सिस्टर, इसका एडमिशन कर लो। सुधा बेटे, कल से आप यहाँ नृत्य सीखने के लिए आएंगे, ठीक है? सच? हाँ। सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। मेरी टांग, ये मेरी टांग को क्या हो गया? ये तो बहुत दर्द हो रहा है। उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में गैंग्रीन यानी एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। अब तो पैर में इतनी चोट लग गई है कि मैं नाच तो सकती ही नहीं, पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा। यही ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई ही पूरी कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, क्या करूं? क्या मैं दोबारा नाच सकूंगी?
छोड़ो ये सब बातें, मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती हूँ, सब फिजूल है। नहीं, पर मैं नृत्य को कैसे भूल सकती हूँ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वो पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वो जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। पैर थोड़ा सा उठा, बस बस बस, ज्यादा नहीं, बस ये 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 स्टूल के ऊपर अपना पैर रखो, मुझे एग्जामिन करना। हाँ, बस बस, दैट्स इट, गुड गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना? पहले एग्जामिन तो करने दो। अच्छा, ये एड़ी थोड़ा सा इधर करो। हाँ, बिल्कुल, तुम बिल्कुल पहले की तरह सामान्य ढंग से चल सकोगी सुधा। पर क्या मैं नाच सकूंगी? चलने की नहीं, नाचने की फिक्र है तुम्हें? जी। हाँ भाई, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वो टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। सुधा! मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। मैं कमजोर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मैं नृत्य कर सकती हूँ। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। थोड़ा सा मूव करो पैर को, दर्द हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, दर्द महसूस होता है? होता है? कितना? कितना? बस 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 बस, समझ गया मैं, समझ गया। तो समस्या ये है डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं चलने लगूंगी, नाचने लगूंगी। मैंने कहा था और मैं अब भी यही कह रहा हूँ। एक मिनट रुको सुधा, ये देखो, नृत्य की तुम्हारी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने, ये देखो, ये तो एक विशेष टांग बनवाई है तुम्हारे लिए। देखो देखो देखो। पर तुम इसे पहनो, पहनो इसे, एक मिनट के लिए फिर से इसको पहनो, पहनो 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 पहनो, अच्छी तरह से पहनो, गुड, स्ट्रैप करो, स्ट्रैप करो, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, स्ट्रैप कर दो, स्ट्रैप हो गया, हाँ टाइट है। अब जरा खड़ी हो जाओ, इसके ऊपर खड़ी हो जाओ, हाँ गुड, कुछ नहीं होगा, यू आर अ ब्रेव गर्ल सुधा, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो सुधा, एक बात तुम्हें मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता था जी, मैंने कर दिया है, और अब तुम्हारी बारी है।
सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। ।28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज्यादा जब उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वो रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उनकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने ये फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी के नाम से प्रदर्शित की। और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उनके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। नृत्यांगना सुधा चंद्रन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। आभार अजीत होरो। निर्देशन निर्माण तथा ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी। और प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।